हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कि जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं आपसे एक डीआईवाई फेस पैक शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपकी स्किन में इंस्टेंट ग्लो भी लेकर आएगा और आपकी स्किन में गुलाबी निखार लेकर आएगा और आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ भी बनाएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। जैसा कि विंटर स्टार्ट हो चुकी है और विंटर्स में हमारी स्किन का जो ग्लो है वो अक्सर कहीं खो जाता है ड्राइनेस की वजह से, तो ऐसे में आपको एक इंस्टेंट ग्लो फेस पैक की जरूरत होती है। तो वो फेस पैक मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, प्लीज वीडियो करने तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। प्लीज गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में इस वक्त है ये वैसलीन का बॉडी लोशन। इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं और ये किस तरीके का बॉडी लोशन है। तो ये सब चीजें मैंने अपने चैनल पे पहले ही शेयर की हुई हैं, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पर दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए। और इसी हेल्प से मैं आज डीआईवाई फेस पैक जो अपना तैयार करने जा रही हूँ, इसकी रेमेडी मैं इसी हेल्प से तैयार करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। और जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि सर्दियों में अक्सर हमारी त्वचा का निखार कहीं खो जाता है, तो ऐसे में ये खोया निखार पाने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छे इफेक्टिव फेस पैक की जरूरत होती है। कुछ ये ऐसा ही फेस पैक आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इससे आपकी स्किन के दाग धब्बे भी कम होंगे, आपके रिंकल्स, फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम भी कम होगी और साथ ही साथ आपके चेहरे पर आएगा एक गुलाबी निखार और आपकी त्वचा भी सॉफ्ट और स्मूथ बनेगी और साथ ही साथ आपकी स्किन में नरिशमेंट भी ये प्रोवाइड करेगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि ये इतना खूबियों वाला पैक कौन सा है। तो दोस्तों, आपको इस फेस पैक को तैयार करने के लिए चाहिए एक क्लीन बाउल ले लीजिए, मुल्तानी मिट्टी चाहिए आपको, और ये मुल्तानी मिट्टी मैंने घर में ही तैयार की हुई है पीसकर। नेक्स्ट आपको इसके लिए चाहिए वैसलीन बॉडी लोशन। मैं यहाँ पर पिंक कलर का बॉडी लोशन ले रही हूँ, तो आप भी यही वाला बॉडी लोशन लीजिए। और जो इसमें और फ्लेवर्स आते हैं लाइक कोकोआ बटर वगैरह, तो वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए हैं। उसकी हेल्प से मैंने कोई भी डीआईवाई फेस पैक अभी तक नहीं मतलब बनाया है, तो मैं उसका रिकमेंड नहीं कर सकती आपको। और मैंने ये वैसलीन बॉडी लोशन ये पिंक कलर का लिया है, तो आपने भी यही वाला लेना है। इसकी हेल्प से ही मैंने ये अपना फेस पैक रेडी करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैं यहां पर ले रही हूं एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी और बॉडी लोशन। दैट्स इट। आप अपने अकॉर्डिंगली भी ले सकते हैं। और वैसे भी हमें ये एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है, बहुत ज्यादा गाढ़ा ना हो ये पेस्ट और बहुत ज्यादा पतला भी ना हो, और नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी, जिससे कि आपको अप्लाई करने में इजी रहे। तो चलिए, मैं अभी से अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और उसके बाद मैं अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। और आपने सिर्फ इन्हीं दो चीजों से इस फेस पैक को तैयार करना है, कुछ और मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें कच्चा दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा फेस पैक है तैयार और अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर। और गाइस, इस फेस पैक को मैं अपने हाथों पर भी आपको लगाकर दिखाऊंगी और फिर मैं आपको थोड़ी देर में इसका रिजल्ट भी दिखाती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और मैंने सिर्फ लिप बाम लगाई हुई है, तो मेरे फेस पर इस वक्त कोई भी मेकअप नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इस फेस पैक को इस ब्रश की हेल्प से अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसका एक पैच टेस्ट भी कर देख सकते हैं, और नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही बेस्ट है ये। आप चाहें तो इस फेस पैक को अपने पैरों पर भी लगा सकते हैं, इस पैक को काफी अच्छा फेस पैक है ये। अगर आपके फेस पर कोई भी इचिंग वगैरह हो रही है तो आप इसे ना अप्लाई करें और तुरंत अपने फेस को वॉश कर लीजिए। तो ये देखिए, मैंने अप्लाई कर लिया है। अब ये बस थोड़ा सा ड्राई हो जाए, 5 से 7 मिनट मैं इसे रखूंगी और उसके बाद ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लूंगी। और कोई भी सोप वगैरह या फेस वॉश आपने अप्लाई नहीं करना है इसके बाद, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं अपने हाथ पर लगा लेती हूँ और पूरी तरह से ड्राई मत होने दीजिएगा इसे, सिर्फ 5 से 7 मिनट रखिएगा, उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मैं थोड़ी देर इसे रखूंगी और उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लूंगी। तो ये देखिए, मुझे अब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, 7 मिनट मुझे हो चुके हैं इसे लगाए हुए। और ये देखिए, ये थोड़ा ड्राई भी होने लग गया, तो अब मैं इसे एक गीले स्पॉन्ज की हेल्प से क्लीन कर लूंगी। और ये देखिए,
ग्लो आप देख सकते हैं गाइस, कितना अच्छा ग्लो आया है स्किन में, ये देखिए। तो मैं अभी अपने फेस को वॉश करके आती हूँ, अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, और जिनकी ड्राई स्किन है दोस्तों उनके लिए फेस पैक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने इसमें जैसा कि बॉडी लोशन मिक्स करा है तो उससे स्किन भी काफी नरिश हो गई है, ये देखिए। तो इस तरीके से अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं इस फेस पैक को, बहुत ही अच्छा फेस पैक है, मुझे बहुत ही पसंद आया है। तो ये देखिए, और हल्की गुलाबी भी लग रही है मेरी त्वचा, मुझे बहुत ही अच्छा लगे है इसके रिजल्ट। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको ही पसंद आएगा। अगर आपने कहीं बाहर जाना है तो आप इस फेस पैक को डेफिनेटली ट्राई कर सकती हैं, फिर उसके बाद अपना मेकअप आपने जो भी अप्लाई करना है वो आप कर सकते हैं। इंस्टेंटली ग्लो देता है आपकी स्किन में और स्किन भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ लग रही है। सो गाइस, इस फेस पैक को मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी। अगर आप अपनी त्वचा में गुलाबी निखार चाहते हैं और दुल्हन सा निखार चाहते हैं तो इस फेस पैक को गाइस जरूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। और अपने जो भी आपके एक्सपीरियंस रहा है इस फेस पैक के साथ मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में भी कितना अच्छा एक निखार आया है और बहुत ही स्किन मेरी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ लग रही है। और इसे आप गाइस अपने पैरों पर भी जरूर लगाइएगा, जैसे कि अगर आपने आप पेडिक्योर वगैरह करते हैं तो इसे जरूर अप्लाई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये देखिए, इस हाथ में और इस हाथ में गाइस आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में, ये देखिए कितना अच्छा निखार आया है इस हाथ में, मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है ये हाथ, और बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि डेड स्किन निकल जाती है ना सभी, जैसे कि आपने मैनीक्योर करवाया हो, तो बिल्कुल वैसा ही आप देख सकते हैं निखार आया है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की DIY फेस पैक रेमेडी, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको मेरा ये फेस पैक कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और गाइस मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, फेशियल, प्रोडक्ट रिव्यू और हेल्दी टिप्स, मेकअप ट्यूटोरियल, मेकअप लुक्स, इंस्पायर्ड लुक शेयर किए हुए हैं। तो प्लीज गाइस मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।